जिन्होंने वहाँ करोड़ों की संपत्ति को आग लगाई और उस टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली पत्रिका और मैं हूँ आपके साथ स्तुति पाठक। 1984 में कानपुर में हुए दंगों में जिसमें सिखों की नृशंस हत्या की गई, जिसमें आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन यूपी सरकार ने एसआईटी की टीम गठित की है। तो सर, जो यूपी में एसआईटी की जो टीम गठित हुई है वो कैसा काम कर रही है? वो काम बिल्कुल सही कर रही है। राजनाथ जी ने 2014 में के बाद वहाँ एसआईटी का गठन किया, उसके बाद वहाँ वो बनाई गई एसआईटी की जो टीम है वो अपना काम कर रही है। 70 में से 39 लोग, कांग्रेस की सरकार थी उसमें उसका जो चाचा था वो भतीजा था उनका, और इस टाइम वो भागे हुए हैं वहाँ से, वो भी हाथ में आ जाएंगे जल्दी। कितने सिख हैं जिनको मुआवजा मिला है, जिनके यहाँ मतलब हत्याएं जिन लोगों की हुई थी? नहीं, वहाँ 127 लोगों को मुआवजा मिला, किसी को एक दो लोगों को मकान मिले हैं, कानपुर में मकान भी नहीं मिले, कईयों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला। हमने उसमें अपील की थी कि भाई उनको मुआवजा दिया जाए, जिससे ये कानपुर के लोग दंगा पीड़ित हैं वो अपना जीवन जो है वो सही से गुजार सके। और इसी तरह हमने अपना बुखारों में, अब वहाँ पे 60 लोगों का हमारे पास रिकॉर्ड आया है, वहाँ मरे हैं 60 लोग, मगर वो जो आरटीआई में हमने मांगा उसमें तो वो कुछ भी नहीं कह रहे, कहते हमें हमारे पास कुछ नहीं है, मगर ये गलत बात है। हम अगर 60 लोगों का रिकॉर्ड ला सकते हैं, क्या आरटीआई मेहनत करके ये हमें नहीं बता सकती थी कि इतने लोग मारे गए हैं, इतने लोगों को पकड़ा है? पुलिस ने क्या रोल क्या था, या वहाँ के जो नेता थे उनका रोल क्या, कुछ भी नहीं लिखा इसमें। एक उन्होंने सबको कोई क्लीन चिट उन लोगों को दी। सर, जो यूपी में योगी सरकार है उनका कितना सहयोग रहा है इसमें, क्या उनका रोल है? योगी सरकार सही कर रही है वहाँ पे, देखिए ना, योगी का जो रोल है वो सही है, तभी 38 लोग जेल की सलाखों में चले गए, अभी और जाने वाले हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में वहाँ पे जितने 70 लोग हैं वो जेल की सलाखों में जाएंगे, जैसे दिल्ली में सज्जन कुमार और उसके लोग गए हैं, ऐसे कानपुर में गए हैं, ऐसे ही हम अब रांची बुखारों में यही बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री और अमित शाह गृह मंत्री को कि वो उनको एक मेमोरेंडम भी देना है, और हमने उनको ये सारी बात बतानी है कि ऐसा उन्होंने आरटीआई में बोला है। सर, क्या वजह है कि ये बहुत पुराना मामला है, 84 का है, 1984, जिसमें आज तक आप बात करें तो सपा की सरकार भी रही है, मायावती की भी सरकार रही है, लेकिन आज तक किसी ने भी काम नहीं किया, अब इस मुद्दे पर काम किया जा रहा है, तब क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा था कि हम ये जो नरसंहार हुआ है देश के इतिहास में 1984 जो है काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अगर हम कभी सत्ता में आए, सबसे पहले 1984 के दोषियों को, सज्जन कुमार, जगदीश टैटलर को सजा देंगे। मैंने यही बात जाके नरेंद्र मोदी जी को, गुरु नानक देव जी के 550 साल पे ये बात मैंने कही उनको कि अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने ये बात कही थी, और इस बात पर आप फूल चढ़ाओ और सज्जन कुमार को अंदर करो। और उन्होंने कि मतलब जो बाकी सरकारें थी उन्होंने इस मुद्दे को सीरियस नहीं लिया। वो ऐसे है जी, कांग्रेस ने किस आज तक इस मामले को सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस 70 साल के देश में जो राज किया कांग्रेस में, अब 38 साल कांग्रेस ने राज ज़्यादा किया है। हम जब ये बात करते थे, स्टेटों में सरकार कांग्रेस की थी, अब जैसे कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया है, अब कांग्रेस गई, मुक्त बन गया है। अब ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नारा है कि हम इस देश को कांग्रेस मुक्त रखेंगे, सब छोड़ के जा रहे हैं, और यही बात थी उस टाइम भी, कांग्रेस ही कांग्रेस होती थी, बीजेपी की सिर्फ 2 सीट आई थी वाजपेयी साहब की, और एक और मुझे नाम याद नहीं, मगर हमें अब संतुष्ट हैं बिल्कुल, हम योगी जी सही काम कर रहे हैं, आने वाले दिनों में ये लोग जो है जो बाकी रह गए वो जेल की सलाखों में जाएंगे। सर, आप बताना चाहेंगे जो अभी कार्रवाई हुई है इसमें कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? देखिए, अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बोकारो के लिए थी, और बोकारो में अभी हमारे पास जो दस्तावेज मिले हैं उसके अनुसार 60 लोगों की हत्या हुई थी, जो सिख परिवारों की हत्या हुई थी, उसमें 60 लोगों के नाम आए हैं हमारे सामने जिनको शुरू के मुआवजे मिले हैं। और ये इत्तफाक की बात है कि जितने भी मुआवजे और जितने भी कार्रवाई का काम हुआ है वो सब भाजपा की सरकारों में ही हुआ है, उससे पहले कभी कोई काम नहीं हुआ था। अभी आप झारखंड की बात कर रहे थे, झारखंड में फिलहाल क्या स्थिति है? झारखंड में स्थिति ये है कि
आज के दिन हमारे पास जो सूचना है उसके अनुसार एक भी अपराधी को सजा नहीं मिली है। दूसरी बात, कितने अपराधी हैं ये भी सरकार बताने को तैयार नहीं है। कितनी FIR दर्ज हुई है, कितने लोग मरे हैं, वो तो हम लोगों ने किसी तरह से 60 लोगों के नाम निकाले हैं, लेकिन हमारा अंदेशा है कि ये लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास 60 लोगों के मरने की इन्फॉर्मेशन। क्या लगता है कि झारखंड सरकार जो है इस पर सीरियस नहीं है, वो इस मुद्दे को सीरियस लेना नहीं चाहती है? लगता तो कुछ ऐसा ही है, क्योंकि हमने जब RTI फाइल करी थी और उसको एक महीना हुआ, उसमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उसके बाद हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने का टाइम मांगा, आज तक हमें वो भी वक्त नहीं दिया गया है। हम वहाँ के गृह सचिव से भी बात कर रहे हैं कि किसी तरह से इस बारे में कुछ ब्रेक थ्रू मिले, लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिले, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। सर, क्या कहेंगे जिस तरह योगी सरकार ने यूपी में एक्शन लिया है, लेकिन झारखंड सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं ले रही, तो क्या कहना चाहेंगे कि दोनों सरकारों में कौन अच्छा काम कर रहा है? देखिए, डिफरेंस तो है, ये तो आप कहें हम कहें, लोगों को भी पता है कि डिफरेंस तो है। अगर सरकार का समर्थन मिलेगा तभी कोई अपराधी जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे, नहीं तो अगर अपराधी के अगर संरक्षण मिलता रहेगा तब तो न्याय मिलने की संभावना बहुत कम हो जाती है, फिर एक सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा बचता है जिसको हम खटखटाने की कोशिश करेंगे इस मामले में। क्या लग रहा है कि यूपी में योगी सरकार का जो एक्शन है वो काफ़ी तेज है, उनका जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं? यकीनन, क्योंकि SIT ने जिस तरह से काम किया है, और SIT ने इतने पुराने मामले में, मैं खुद विभिन्न थाना क्षेत्रों में गया हूं, और इसने पुराने मामलों में अगर 3 साल के अंदर SIT 12 मामलों में चार्जशीट फाइल करने के लिए रेडी हो गई, और 12 मामलों में उन्होंने अपराधियों को पकड़ा है। अभी तक 38 अपराधी पकड़े गए हैं, 92 अपराधी, हमारी सूचना के अनुसार 34 अपराधी थे, उन्होंने 92 अक्यूज्ड को आइडेंटिफाई किया है, तो ये बहुत बड़ी बात है, और बिना सरकार की सहायता के संभव नहीं हो पाएगा। इतनी सरकारें आईं, इतने सालों तक सपा रही है, बसपा रही है, लेकिन आज तक किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, ये इतना पुराना मतलब केस है, उसके बाद अब इस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो आप क्या कहना? देखिए, सरकारों की इच्छा शक्ति पे बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जिस समय ये हिंसा हुई, ये हत्याकांड हुआ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और मुझे याद आ रहा है जब उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने बोला था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, इसका सीधा इंडिकेशन था कि इसमें हम कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं, ये लोगों ने किया वो सही किया। तो जो सरकार जस्टिफाई करती है वो सरकार एक्शन तो ले नहीं सकती, तो ऑब्वियसली ये उम्मीद इस सरकार से थी, और इस सरकार में इत्तफाकन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दिल्ली में भी SIT का गठन अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में हुआ, यहाँ पे कानपुर में SIT का गठन नरेंद्र मोदी जी के टाइम में हुआ, और आज योगी जी के टाइम में वो लोग पकड़े जा रहे हैं, जबकि इस घटना को हुए 38 साल बीत चुके हैं। तो ये सरकार की उपलब्धि तो मैं जरूर कहूँगा। ने देखा, भी वकील साहब ने बताया है कि इतना पुराना केस है जिस पर आज तक किसी सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो कहा जा रहा है यूपी में योगी सरकार का जो एक्शन है वो काफ़ी अच्छा है, और जो SIT अपना पूरी तरह से काम कर रही है।